Hello friend, this is Sumant Bhufore and welcome back to my channel, The Learning Point Spoken Academy. Friends, in this video, I'm going to teach you one advanced level structure which will improve your English very soon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी जो कि आपकी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर बोलचाल की दुनिया में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, कैसे भी करके आप चुनाव जीत जाओ, कैसे भी करके वह अपनी गलती सुधार ले, कैसे भी करके वो लोग यहाँ से चले जाए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो हिंदी का सेंटेंसेस देख रहे हैं, इसमें जबरदस्त फ्रेज आ रहा है कैसे भी करके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। तो फ्रेंड्स, इस फ्रेज को बाय हुक और बाय क्रूक को बारीकी से समझने के लिए, शानदार तरीके से समझने के, आइए इसे स्ट्रक्चर में तब्दील करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आप भी अपना एग्जाम्पल जनरेट करके समझ के और सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक निकालिएगा और स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा, सेंटेंस प्लस बाय हुक और बाय क्रूक, सेंटेंस प्लस बाय हुक और बाय क्रूक। याद रखिएगा, सेंटेंस कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे यह हो रहा है कि जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और बाय हुक और बाय क्रूक को सेंटेंस के अंत में, एंड में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नंबर वन एग्जांपल है, आप कैसे भी करके आप ऐसी भड़काऊ सबूत को मिटा दीजिए, कैसे भी करके आप ऐसी भड़काऊ सबूत को मिटा दीजिए। फ्रेंड्स, आइए इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, यू शुड इरेडिकेट सच इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स बाय हुक और बाय क्रूक, यू शुड इरेडिकेट सच इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स बाय हुक और बाय क्रूक। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त वर्ड वोकैबुलरी को मैंने ऐड किया है, भड़काऊ सबूत। फ्रेंड्स, भड़काऊ सबूत के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स, इसका मतलब भड़काऊ सबूत या पुख्ता सबूत भी आप लोग कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ एक बहुत जबरदस्त और एडवांस लेवल का वोकैबुलरी आपको सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर वन एग्जांपल आपको सहजता से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर सेकेंड एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल है, कैसे भी करके वह चुनाव में गलत व्यक्ति का प्रयोग करेगा, कैसे भी करके वह चुनाव में गलत व्यक्ति का प्रयोग करेगा। He will impersonate by hook or by crook. अब यहाँ पे आप सोचोगे, सर आपने इलेक्शन के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि impersonate का अर्थ ही होता है कि चुनाव में गलत व्यक्ति का इस्तेमाल करना। ये बहुत जबरदस्त और बहुत एडवांस लेवल का वोकैबुलरी है। impersonate कहने का मतलब ही होता है कि चुनाव में किसी गलत व्यक्ति का इस्तेमाल करना। तो इसलिए मैंने यहाँ इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं जोड़ा, ऐसे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देना चाहूंगा, ही विल इम्पर्सनेट बाय हुक और बाय क्रूक, कि वह चुनाव, वह कैसे भी करके चुनाव में गलत व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सेकंड एग्जांपल्स भी समझ में आ गया होगा आपको। फ्रेंड्स, आपका जो फेवरेट एग्जांपल होगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई फेवरेट नहीं हो तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखो वो मुझे एक कमेंट करके बताना, ताकि मैं समझ सकूं कि जो मैंने आपको सिखाया वो मेरा सफल रहा और आप भी कुछ सीख सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सेकंड एग्जांपल आपको सत्ता से समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर थर्ड एग्जांपल, जो कि हमारा बहुत जबरदस्त है, कैसे भी करके वे लोग जनता के सवालों को टाल देते हैं, कैसे भी करके वे लोग जनता के सवालों को टाल देते हैं। दे पैरी द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक या मास भी बोल सकते हैं, दे पैरी द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक या मास बाय हुक और बाय क्रूक, दे पैरी द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक या मास बाय हुक और बाय क्रूक। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वे लोग जनता के सवालों को कैसे भी करके टाल देते हैं, या कैसे भी करके वे लोग जनता के सवालों को टाल देते हैं। और यहां पे पैरी द क्वेश्चन कहने का अर्थ होता है सवाल को टाल देना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं यहां एक और भी आपको वोकैबुलरी सीखने को मिला होगा, जबरदस्त, पैरी द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर थर्ड एग्जांपल आपको अच्छे से, सहजता से, शानदार तरीके से समझ में आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट लेकिन बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। तो फ्रेंड्स, नंबर फोर एग्जांपल है हमारा, कैसे भी करके चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए। इलेक्शन शुड नॉट काउंटरमांड बाय हुक और बाय क्रूक, इलेक्शन शुड नॉट काउंटरमांड बाय हुक और बाय क्रूक। फ्रेंड्स, यहाँ पे रद्द के लिए, स्पेशली इलेक्शन के लिए काउंटरमांड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप कैंसिल कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, कॉल ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये सारी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 4 एग्जांपल भी आपको सहजता से अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स जानकारी के तौर पे एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लोग जनरली शुड नॉट को सुडंट सुडंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल अगर प्रोनाउंसिएशन साउंड की बात हो तो शुड नॉट को सुंट बोलते हैं, सुंट, उड नॉट को उंट, उड नॉट को कुंट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एडिशनल जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ जो चारों एग्जांपल्स मैंने समझाया आपको सहजता से अच्छे तरीके शानदार तरीके समझ में। फ्रेंड्स अगर वाकई में मेरी वीडियो आपको अच्छे समझ में आया ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, शानदार लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।